हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लर्निंग विथ डॉक्टर डीजीबी। फ्रेंड्स, इस लर्निंग सीरीज़ में हम लोग हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है या जो इंट्राडे में हम लोग जो सेटअप फॉलो कर रहे हैं उसको लर्न कर रहे हैं। और इसमें हमने प्राइस सेक्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है वो हमने कवर कर लिया है। अभी जो है ट्रेंड लाइन वो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर किया। आज हम जो लोग जो है वो ट्रेडिंग चैनल जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग चैनल होता है, ये ट्रेडिंग चैनल जो होता है वो ट्रेंड लाइन से ही बनता है। तो ट्रेडिंग चैनल जो होता है वो नथिंग बट दो ट्रेंड लाइन जो पैरेलल चलती है उससे ये ट्रेडिंग चैनल बनता है। और ट्रेडिंग चैनल के कितने टाइप्स होते हैं? ट्रेडिंग चैनल के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रेडिंग चैनल, डिसेंडिंग ट्रेडिंग चैनल और पैरेलल ट्रेडिंग चैनल। तो सबसे पहले हम लोग जाकर देखते हैं कि ये चैनल बनता कैसे। तो कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग या पैरेलल चैनल फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम तीन पॉइंट या तीन स्विंग होना ज़रूरी है। उसमें से या तो दो स्विंग लो होना चाहिए या तो दो स्विंग हाई होना चाहिए और एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो होना चाहिए। मतलब क्या? अगर असेंडिंग चैनल बना रहे हैं हम लोग तो उसमें हमें दो स्विंग लो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये जो है ये स्विंग बना है, तो यहाँ पे हमें लोग क्या दिख रहा है, प्राइस जो है वो हायर हाई बनाते हुए यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक लोअर स्विंग है और उसके ऊपर ये एक हायर हाई बनाने वाला हायर स्विंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्विंग पॉइंट होता है जिसको हमने मार्क किया 1, 2, 3, तो हम लोग क्या करते हैं 1 और 3 को जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं और इस प्लॉट किए हुए ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट करके हम लोग ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे रख देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या इंटरप्रिट करते हैं, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स ले रही है और कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना रही है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से आगे ये जो चैनल है ये चैनल के अपर बॉर्डर तक जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और टेक प्रॉफिट रखेंगे चैनल के अपर बॉर्डर और 1:2 और 1:3। देन जब प्राइस इस चैनल के टॉप पे पहुंच जाती है या अपर बॉर्डर पे पहुंच जाती है, वहां से अगर रिवर्सल लेती है तो देन अगेन हम लोग इंटरप्रिट कर सकते हैं कि यहां से अगर प्राइस को रिवर्स हो गई तो पॉसिबिलिटी है कि चैनल के लोअर बॉर्डर के आसपास प्राइस जो है आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग चैनल जो होता है वो चैनल को देखते हैं। तो ये जो चैनल होता है, ये चैनल हमने जिसको बोला है कि असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और पैरेलल चैनल, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं? तो देखो, यहाँ पे जब प्राइस हायर हाई बनाते हुए अगर चैनल के अंदर चल रही है तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, चैनल के लोअर बॉर्डर पे हमने बाय करना है। अगर हमें किसी प्राइस एक्शन पैटर्न, मतलब जैसे ही हमें कोई चैनल फॉर्मेशन होती दिख रही है और वहाँ पे अगर हायर हाई फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है प्राइस में, कि प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी प्राइस अपर बॉर्डर से जब चैनल के लोअर एंड तक आएगी और यहाँ से जब रिवर्सल लेके कोई प्राइस सेक्शन का बुलिश पैटर्न बना के अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग स्टॉप लॉस, चैनल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा चैनल के अपर बॉर्डर और नहीं तो रहेगा 1:2, 1:3। इस चैनल में कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो चैनल के अपर बॉर्डर को अगर ब्रेक कर देती है तो यहाँ से हमें प्राइस में जो है बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है और प्राइस जो है एक नए हाई के तरफ हमें जाते हुए दिखती है। और अगर यहाँ पे अगर हमें ऐसे लगता है कि प्राइस जो है वो चैनल के अंदर चल रही है बट वो चैनल के नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है, तो यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं
कि चैनल का ब्रेकडाउन हुआ और फिर यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न बनने की वेट करते हैं, और जब भी ऊपर जाके वो यहाँ पे ये चैनल के लोअर जो ट्रेंड लाइन है उसको रेजिस्टेंस करके जो हमारा जो स्विंग लो था उसको अगर ब्रेक कर देती है तो हम लोग अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे देखा करते हैं। तो ये हुआ, हमने जो चैनल देखा ये था हमारा असेंडिंग चैनल, जिसमें हमने अपर साइड पे भी ब्रेकआउट होते हुए देखा और लोअर साइड पे ब्रेकडाउन होते हुए हमने यहाँ पे देखा। मतलब ये जो है ये थियोरेटिकल पार्ट हुआ। अगेन जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल। इसमें क्या होता है, प्राइस लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आती है और प्राइस जो होती है वो चैनल के अंदर चलते हुए हमें दिखती है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, ये हमारा हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी प्राइस जो होती है वो नीचे चैनल के लो को टच करके या चैनल के लोअर बॉर्डर को टच करके जब ऊपर चलती है और अपर बॉर्डर में प्राइस जो है रेजिस्ट करती है, और वहाँ से अगर हमें दिखता है कि प्राइस जो है वो ब्रेकडाउन होते हुए दिख रही है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग चैनल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के हम लोग लोअर ट्रेंड लाइन का टारगेट यहाँ पे लेके इसको सेल अपॉर्चुनिटी की तरफ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिसेंडिंग चैनल में हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, असेंडिंग चैनल में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट चैनल होता है जिसको बोला जाता है पैरेलल चैनल, तो पैरेलल चैनल कैसे होता है, इसमें जो प्राइस होती है यहाँ पे कोई हायर हाई ना बनाते हुए प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड होती है, और यहाँ पे या तो प्राइस जो होती है वो चैनल के जो अपर बॉर्डर होती है उसको ब्रेक करके या अपर ट्रेंड लाइन होती है उसको ब्रेक करके ब्रेकआउट दे सकती है या नीचे ब्रेक करके ब्रेकडाउन दे सकती है। तो इस चैनल में हम लोग या तो फिर चैनल के अंदर हम लोग यहाँ पे बाय कर दिए, यहाँ पे सेल किया, अगेन यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय किया, तो ऐसे अंदर बाय सेल भी कर सकते हैं, यानी बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, या फिर चैनल का जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे इसने अपर साइड में ब्रेकआउट दिया तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और चैनल के ये लोअर बॉर्डर अपर बॉर्डर जो है उसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और अगर नीचे ब्रेक करती है तो हम लोग यहाँ पे चैनल के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और वही टारगेट रहेगा 1:2 to 1:3। चैनल एक्चुअली कैसे ट्रेड होते हुए दिखता है प्राइस के अंदर ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लिए हुए हैं, यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस का चार्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो हमें डिसेंडिंग चैनल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जब भी प्राइस या अपर रेंज में जाएंगी तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कैंडल, देखो यहाँ पे एक डोमिनेटिंग कैंडल बनी है, यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग अगर सेल करते हैं और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे भी रखते हैं तो भी मोर देन 1:2 to 1:3 हमें यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे देखो प्राइस लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जा रहे हैं, और सडन बाद में जब प्राइस ये लोअर एंड पे आई तो यहाँ से अगेन प्राइस ने सपोर्ट लिया, और इस बार देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे चैनल को अपर साइड से ब्रेकआउट कर दिया और बजाज फाइनेंस में काफ़ी अच्छे से मूव भी आ गई है। अगर हम लोग देखेंगे जाके रियल चार्ट में तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने अच्छे से वहाँ पे रैली दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जो चैनल मार्क करते हो और चैनल के अंदर हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी, अगर वो डिसेंडिंग चैनल है तो सेल अपॉर्चुनिटी के ट्रेड ढूंढते हैं, और अगर अच्छे वॉल्यूम से हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पे भी एक डोमिनेटिंग कैंडल में हमें काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम लोअर साइड पे मिला हुआ था, और यहाँ पे अगर हम लोग बाय करते तो भी हमें ये अपर चैनल की जो बॉर्डर है
वहाँ तक भी ट्रेड किए होते तो अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता। तो यहाँ पे वही बात है कि हम चैनल को कैसे रीड करें और बाय सेल की सिग्नल कैसे जनरेट करें, ये डिपेंड होता है हमारे प्रैक्टिस पे। और जब भी हम लोग बाय और सेल का डिसीजन ले, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ ढूंढने देखने की कोशिश करें कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है। सेम नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि और कुछ चार्ट जो है वहाँ पे हमें कोई जो ट्रेड बनते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे देखो यह असेंडिंग चैनल फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, और जब भी प्राइस चैनल के लोअर बॉर्डर पे आएंगी यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि एक छोटे स्टॉप लॉस से बाय अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करें, और जो भी टारगेट रहेगा वो चैनल के अपर बॉर्डर रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे बाय किए तो भी चल रहा होता, या फिर हमने यहाँ पे बाय कर लिया, ये हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा और टेक प्रॉफिट जो था वो हमने रखा है चैनल के अपर बॉर्डर, और यहाँ पे देखो क्लियर कट वो हमें यहाँ पे अचीव होते दिख हुए दिख रहा है। नेक्स्ट जो है और एक एक चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है आपके समझने के लिए, तो ये रिसेंट वाला चार्ट है बजाज फाइनेंस वाला ही। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमें एक चैनल फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, जहाँ पे चैनल ने अपर बॉर्डर में को तोड़ के यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखो इस कैंडल में अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया, तो ये कैंडल के ऊपर अगर हम लोग बाय लेते हैं और स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेते हैं तो 1:2 के टारगेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किए होते। तो फ्रेंड्स ये हमने चैनल कैसे बनाना है, चैनल को कैसे रीड करना है, उस पर कैसे हमें बाय और सेल अपॉर्चुनिटी देखना है, ये हमने यहाँ पे देखा। अभी हम लोग जाकर देखते हैं कि एक्चुअल चार्ट में ये कैसे पॉसिबल होता है। जब हम लोग एक्चुअल चार्ट पे जाते हैं तो ये चीज़ें किस प्रकार से पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मैंने सामने जो ओपन हुआ है वो है TCS का चार्ट ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें देखो ये स्विंग दिख रही है, तो मैंने सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो है 2 पॉइंट लोअर स्विंग को जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है, और मुझे इसको जस्ट कॉपी करना है या क्लोन करना है। क्लोन करके भी अगर मैं उसको उसके अपर बॉर्डर पे रख दूँ तो ये डिसेंडिंग चैनल बन रहा है, और ये जब भी डिसेंडिंग चैनल बनेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि प्राइस जो है जब भी इस चैनल से रिजेक्शन करते हुए हमें दिखे वहाँ पे हम लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजेक्शन होते हुए दिखा, और ये डोमिनेटिंग कैंडल जो है इसके नीचे अगर हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल 1:3 या 4 के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, और हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा ये यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस देखा। तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड हमें यहाँ पे बनते हुए देखा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड जनरेट हुआ था, अगर हम लोग ये देखते तो ये हमारा टारगेट बना और ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो मोर देन 1:3 हमने यहाँ पे गेन किया जब चैनल हमने प्लॉट किया, और देन जब ये चैनल बना तो ये चैनल ने आगे इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आगे देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे इसने अपर साइड में ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट में भी ट्रेड कर सकते हैं अगर वो चैनल को अच्छे वॉल्यूम से तोड़ दे, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग की भी पोजिशन बना सकते हैं। सिंपली फ्रेंड्स क्या करना है हमें चैनल में, हमें 2 स्विंग मार्क करना है, मतलब या जब भी चैनल बनाना है तो हमें 3 स्विंग ज़रूरी है, 3 जो स्विंग है वो ज़रूरी होते हैं। तो ये एक लोअर स्विंग, ये एक लोअर स्विंग, और उसके बीच में एक हायर स्विंग होना भी ज़रूरी है, और हम 2 लोअर स्विंग को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और ये अपर स्विंग पे पेस्ट कर देंगे, और जब भी प्राइस वहाँ पे आकर रिजेक्शन लेते हुए दिखे तो हम लोग वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी का ट्रेड रखेंगे, और टारगेट क्या रहेगा हमारे स्टॉप लॉस से 2R। अगर हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो हम लोग मिनिमम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे 20 पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। अगर हमारी हिंदी सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो हमें वैसे बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।